जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा सावन व मुहर्रम को संपन्न कराने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके संबंध में SPCT डॉक्टर गौरव गुरुवर ने बताया कि इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कांवड़ियों द्वारा शिवालयों में जल चढ़ाया जा रहा है। जनपद में जितने भी शिवालय हैं जहाँ पर जनता का आवागमन रहता है, वहाँ पर पुलिस की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा कांवड़ियों का जिन मार्गों से आवागमन होता है, उन मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मुहर्रम का पर्व है, जिसको देखते हुए पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है। मुहर्रम का पर्व अच्छे माहौल में संपन्न होगा। इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया पर नज़र बनाए हुए हैं, यदि कोई भी व्यक्ति माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, जो भी त्यौहार मनाए जाने हैं, विशेष रूप से सावन का पवित्र महीना मास चल रहा है और इस समय पर कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों द्वारा शिवालयों में जलाभिषेक किया जाता है। जितने भी जनपद गोरखपुर में ऐसे शिवालय हैं जहां पर लोगों की आस्था है, जहां पर लोगों का आगमन आम जनता का रहता है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग से ड्यूटी लगाई गई है। सभी थाना प्रभारियों को और गजेटेड ऑफिसर्स को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिन जिन मार्गों पर आवागमन होता है या जिन जिन मार्गों का इस्तेमाल शिवालयों तक पहुंचने के लिए किया जाता है, वहां की ट्रैफिक व्यवस्था का भी अलग से प्रबंध किया गया है। कांवड़ यात्रा में चलने वाले सभी लोगों को और आम जो पब्लिक चल रही है, ताकि ट्रैफिक की कोई समस्या ना है या कोई घटना दुर्घटना ना घटित हो पाए, उसके लिए भी सभी समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो मुहर्रम का जो आने वाले दिनों में उसका आयोजन होगा, उसके लिए भी पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं। सभी के साथ कमेटीज़ के साथ संपर्क करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी आयोजन, सभी त्यौहार और सभी पर्व जो है वो मनाए जाएं, या उसका जो भी आयोजन जिस तरह से होना है उसी तरह से वो आयोजन हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जो हमारा LIU है और बाकी जो सूचना तंत्र है उसको भी एक्टिव किया गया है और विशेष रूप से सोशल मीडिया पर ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राउंड द क्लॉक हमारा सोशल मीडिया सेल एक्टिव है। कोई भी अराजक तत्व यदि किसी भी प्रकार की कोई अराजकता फैलाने का प्रयास करता है, कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नज़र रखी जा रही है और ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो इस तरह की कोई हरकत करने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी।